हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो लेकर के मैं आ गई हूँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नवरत्न प्रश्न। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम प्रश्न। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो है, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है। ये देख सकते हैं प्रश्न, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है। तो इसका सही जवाब होगा, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है। याद रखिएगा, श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हो गया है। ये कर्नाटका में स्थित है और ये साउथ वेस्ट रेलवे जोन में आता है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमसे पूछा जा रहा है, फैजाबाद, याद रखिएगा, फैजाबाद का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो याद रखिएगा, फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या रखा गया है, ठीक है। फैजाबाद का नाम बदल कर अयोध्या रखा गया है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम आनंदीबेन पटेल है और चीफ मिनिस्टर जो हैं, सीएम जो है उत्तर प्रदेश के, उनका नाम योगी आदित्यनाथ है, ठीक है। वहाँ के गवर्नर का नाम आनंदीबेन पटेल है, चीफ मिनिस्टर का नाम योगी आदित्यनाथ है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है। तो याद रखिएगा, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया है, ठीक है। ये भी उत्तर प्रदेश में ही है और ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे स्टेशन में कहा है, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो चौथा प्रश्न है हमारा, बरेली एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। बरेली एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बरेली एयरपोर्ट का नाम बदलकर नाथ एयरपोर्ट रखा गया है। याद रखिएगा, नाथ एयरपोर्ट बरेली एयरपोर्ट का नया नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुड़गांव का नया नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, गुड़गांव का नया नाम क्या है। तो गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम है, गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम है, याद रखिएगा। ये हरियाणा में है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम मनोहर लाल खट्टर है, गवर्नर का नाम सत्य नारायण आर्य है। और बात करें कि अगर हरियाणा का कैपिटल कौन सा है, तो वहाँ का कैपिटल चंडीगढ़ हो गया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, वहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम मनोहर लाल खट्टर है, गवर्नर का नाम सत्य नारायण आर्य है, गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम है। चलिए अगला प्रश्न हम जल्दी से देख ले रहे हैं। तो छठा प्रश्न है हमारा, अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या रखा गया है। अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो याद रखिएगा, अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखा गया है। ये भी यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सातवां प्रश्न हम जल्दी देख लेते हैं। तो सातवां प्रश्न है हमारा, गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर महायोगी गोरखनाथ जी एयरपोर्ट रखा गया है, ठीक है। महायोगी गोरखनाथ जी एयरपोर्ट गोरखपुर एयरपोर्ट का नया नाम है। आठवां प्रश्न हम देख लेते हैं। आठवां प्रश्न है हमारा, अहमदाबाद शहर का नया नाम क्या है, ठीक है। ये आपने प्रश्न देखा, अहमदाबाद शहर का नया नाम कर्णावती है। अहमदाबाद शहर का नया नाम कर्णावती है, ठीक है। वहाँ का जो कैपिटल है वो गांधीनगर है, गुजरात का जो कैपिटल है वो गांधीनगर हो गया। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो विजय रूपाणी है, गवर्नर आर्या देवव्रत है, ठीक है, याद रखिएगा। नौवां प्रश्न हम देख लेते हैं। नौवां प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में स्थित सिटी चौक का नाम बदलकर क्या हो गया है। जम्मू कश्मीर में स्थित सिटी चौक का नाम बदलकर क्या हो गया है। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित जो सिटी चौक है उसका नाम बदलकर भारत माता चौक रखा गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो स्थित सिटी चौक है उसका नाम बदलकर भारत माता चौक रखा गया है।
तो स्टूडेंट्स, ये था आज का नवरत्न प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में अच्छे से मैं आपको बताई होंगी। वीडियो अगर पसंद आया है आपको हमारा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।